हे गाइस, तो फाइनली भाई थॉर लव एंड थंडर का पहला शो देख के आ चुका है। ये मूवी आगरा में श्री टॉकीज में 8:45 का सबसे पहला शो उसी में लगा था और मैंने 2 दिन पहले ही टिकट बुक करा ली थी, क्योंकि यार मुझको तो ये मूवी का पहला शो देखना ही था। फिलहाल मेरे और भी कुछ प्लान है इस मूवी से रिलेटेड देखने के किसी और सिटीज में, पर फिर भी मैंने इस मूवी को देख लिया बिकॉज आप लोगों के लिए मुझे रिव्यू देने थे। तो ये मूवी मुझे पर्सनली कैसी लगी तो इसी चीज के बारे में बात करेंगे, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के दिए। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, बट उससे पहले इस मूवी को देखने से पहले मैंने इसकी रेटिंग्स देखी थी जो कि रोटेन टोमेटोज पे अराउंड 70% थी और IMDb पे थे इसकी 10 में थे 7.3 लगभग। मैं इस रेटिंग को देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, मैंने कहा यार ये मार्वल की थॉर की मूवी है, इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस मूवी को देखा बिना किसी यूट्यूबर थिंकिंग के कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं थॉर के बारे में सब कुछ जानता हूँ, एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल गया था। मैं फैन थॉर बन के गया था, फैन बन के गया था थॉर का और उस मूवी को देखा। तो क्या था मेरे फर्स्ट रिएक्शन, ये मूवी मुझे कैसी लगी, एवरीथिंग, सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब मूवी स्टार्ट होती तो भाई इतना इमोशनली मुझे वो सीन लगा स्टार्टिंग गई कि भाई मुझे लगता था कि इस मूवी में गौर मुझे लगता अपनी जगह सही है। मतलब मूवी की स्टार्टिंग फैंस के मन में ऐसी छाप छोड़ती है कि मूवी का विलेन ही एक्चुअली में अपनी जगह सही था और आपको एंडिंग में उसका रिजल्ट पता चल ही जाएगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, मूवी जैसी स्टार्ट होती है अच्छा लगता है, इमोशन लगता है, पर जैसी थॉर की एंट्री होती है, इंट्रोडक्शन जो दिखाया जाता है कैरेक्टर्स का वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। स्टार लॉर्ड थॉर की जो केमिस्ट्री दिखाई है वो ज़्यादा कमाल की है और थॉर एकदम पागल हो चुका है प्यार के चक्कर में। और सबसे बड़ी बात कि जब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है तो भाई जो कॉमेडी की सीन, जो कलरफुल, जो एक्शन, जो फाइट सीन, वो सब डायरेक्शन पता चल जाता है कि टैगे वेटिटी ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी इस मूवी के लिए और इस मूवी में उन्होंने कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई है, वो चीज अलग ही दिख रही थी इंट्रोडक्शन के टाइम में। बट मूवी फाइनली मिड सीन में पहुंचती है, यानी कि मिड के अंतर में आती है, क्योंकि इंटरवल तो था नहीं, तो मुझे लगा कि शायद मूवी बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है, फोकस कर रही है, यानी कि मूवी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मूवी मिड में पहुंच गई है। और जैसी मिड में पहुंचती है तो भाई हमारी माइटी थॉर आती है, उनका क्या इंट्रोडक्शन दिखाया है और थॉर भाई ऐसे आगे हाथ करके उसको कहता है म्योनी, वो कमाल का सीन था। और फाइनली थॉर की वो बेवकूफियाँ कि ये समय कौन कर रहा है, तो ये ऐसी ऐसी काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जो चीज़ दिखाई है कनेक्शन थॉर के हथौड़े में, स्ट्रॉन्ग ब्रेकर में, वो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। बट चलिए आगे बढ़ते हैं मूवी एंडिंग की तरफ। तो भाई एंडिंग मतलब कह सकते हो कि मैंने सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि एंडिंग इसकी इस लेवल की होगी। और मे बी शायद आप कॉमिक बुक पढ़ के जाओ या कितनी भी थ्योरीज देख के जाओ, आप ये मूवी जब देखोगे ना तो आपको भी एंडिंग बिल्कुल डिफरेंट ही दिखेगी। तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप जो एक्सपेक्ट करके जा रहे हो आपको वो मिलेगा। एंडिंग ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, छोटे सा एक पॉइंट में बहुत डिसअपॉइंटेड लगता है कि शायद फ्यूचर में क्या होगा, तो मैं स्पॉइलर तो नहीं दे सकता उस चीज़ का, बट हाँ आपको एक चीज़ डिसअपॉइंटेड जरूर लगेगी कुछ कैरेक्टर्स के लिए। और बाकी मूवी एक हैप्पी एंडिंग की तरह होती है और फाइनली हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन कराया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। चलिए बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि आपको डेफिनेटली देखने हैं। अब मेरे संग क्या हुआ श्री टॉकीज में कि भाई पहला पोस्ट क्रेडिट सीन तो हर किसी ने देख लिया और सब थिएटर से चली भी गई, पर्दे डल गए और क्रेडिट सीन चल रहे थे। तो जो टॉर्च वाले होते हैं ना, जो कहते हैं कि भाई टिकट देखो और आप इधर बैठो, ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं ना वो मुझे हटाने लग गए कि आप जाओ मूवी तो खत्म हो गई। मैंने कहा भैया अभी इसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, ठीक है, तो मैं तो वही देख के जाऊंगा कि नहीं मूवी खत्म हो गई, पर्दा डल गया, आप क्या खड़े रहोगे यहाँ पर। मैंने कि मैं ऑलरेडी इसी चीज़ से रिलेटिव काम करता हूँ, बस मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ या ऐसा कुछ है और मार्वल्स मूवीज पे ही हूँ, ठीक है, अगर इसमें पोस्ट क्रेडिट सेकंड नहीं हुआ तो आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, लग गई शर्ट। और फाइनली क्या होगा भैया जीत गया, पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें एंडिंग में जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर कमाल का था, देख के अच्छा लगा और फाइनली मैं जीता तो उसकी ज़्यादा तो और ज़्यादा खुशी थी। और उसी के साथ अगर बात करी जाए कि इस मूवी में कुछ जो कमी थी तो वो उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, बट अगर बात करी जाए रेटिंग्स की तो मैं इसको रेटिंग्स देना चाहूँगा 10 में से करीब 8, ठीक है। बाकी मैं चीज़ें कम करना चाहूँगा क्योंकि मूवी की एंडिंग बहुत अलग थी, कुछ कैरेक्टर के संग समझ जाओगे मतलब हुआ नहीं, अच्छे सा नहीं हुआ कुछ, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये यूनिवर्स जो थॉर की फ्रेंचाइज है वो और ग्रो होगी, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा। और बाकी आपके ओपिनियन है, हम मूवी देख के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी और उसी के साथ आपको ये रिव्यू कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, पर मूवी 2 बार देखने लायक जरूर है, तो फैमिली के साथ एंजॉय करो, बच्चों को, भाइयों बहनों को लेके जाओ और मजे लो मूवी के, और अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।